फ्रेंड्स, क्या आप एलोवेरा जेल और एलोवेरा पाउडर के फायदे जानते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो प्लीज़ इन दोनों का क्या क्या यूज़ है तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स पर शेयर कर दें, ताकि कोई भी एलोवेरा के फायदे से अपरिचित ना रहे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज, क्या आप अपनी स्किन को, हेयर को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं? तो आप हर रूप में, चाहे वो जेल के फॉर्म में हो, पाउडर के फॉर्म में हो, ड्रिंक्स के फॉर्म में हो, आप हर रूप में एलोवेरा का सेवन करना शुरू कर दीजिए। तो गाइज, आज मैं आपके साथ में होममेड एलोवेरा पाउडर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप इस पाउडर को नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको अपने लोकल मार्केट से या इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ये आपको 100 ग्राम की जो क्वांटिटी होगी आपको 90 से 200 रुपीज़ के समथिंग से मिल जाएगी। बट मैं आपको 0 इन्वेस्ट रुपीज़ पर भी बिल्कुल आसानी से एलोवेरा का पाउडर बनाना आज बताऊंगी, जिसको आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि 4 से 5 एलोवेरा लीव्स ले ली हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जितना आपको पाउडर बनाना हो, मुझे 1 कप के समथिंग से बनाना था तो मैंने ये 4 से 5 लीव्स ले लिए हैं। ठीक, फिर मैंने क्या किया है, इनको क्लीन वाटर से, अच्छे वाटर से, बहुत अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया था। और फिर मैंने इसको, एलोवेरा लीव्स को, एक कॉटन क्लॉथ की हेल्प से अच्छी तरीके से इसको पोंछ लिया था, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो अलग हो जाए। फिर मैं क्या करूँगी कि इन एलोवेरा लीव्स को छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर दूंगी, ताकि जो इसको ड्राई होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ये आसानी से ड्राई हो जाए। और फिर जब हम इसको ग्राइंड करें तो ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। तो मैं इसको क्या करूँगी, छोटे छोटे से पार्ट में इसको कट कर लूँगी। गाइस, आप जानते हैं कि जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई, और जो फॉलिक एसिड होता है, और विटामिन B1, विटामिन B2, B6, इनफैक्ट B12 भी इसमें एलोवेरा में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एलोवेरा में 12 टाइप के मिनरल्स, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम, एफी जो आयरन है, और पोटेशियम और मैगनीज, ये भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक, तो एलोवेरा का अगर आप लगातार सेवन करते हैं तो आपकी जो कब्ज की समस्या है वो दूर हो जाती है। और इसके सेवन से क्या है, आपका जो वेट होता है वो भी लॉस हो जाता है। और जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उनके तो लिए एलोवेरा कहना ही क्या है, उनके लिए तो रामबाण है। उनको तो बिल्कुल डेली एलोवेरा की एक लीव्स का क्या करना चाहिए, उनको सेवन करना चाहिए। तो जो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि सारी एलोवेरा लीव्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अब बीच में ट्रांसपेरेंट है, किनारे किनारे से इनकी वो एक हल्की सी मोटी सी लेयर बनी हुई है। कितने सुंदर ये दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इन पीसेस को एक पॉलीथीन लूँगी, जो कि मेरे पास वाइट कलर की है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, इनमें इनको फैला दूँगी। और इसको कम से कम मैं इसको क्या करूँगी कि 4-5 दिन इसको ड्राई करूँगी। बट गाइस, सनलाइट में ड्राई होने के लिए मैं 1 दिन के लिए इसको छोड़ूंगी। मैं केवल 1 दिन इसको सनलाइट में ड्राई होने की रखूँगी, क्योंकि जो उस टाइम का जो मौसम है, इस टाइम जो धूप है हमारी बहुत तेज़ी से निकल रही है, तो मैं इसको केवल 1 दिन इसको उसमें रखूँगी, सनलाइट में रखूँगी। बाकी मैं इसको छाया में भी इसको ड्राई करने वाली हूँ। तो 4-5 दिन हमको ड्राई करना है। तो आप एक पहले दिन, जिस रोज दिन आप इसको सुबह 8 बजे से या 9 बजे से इसको धूप में रख दीजिए, शाम को 5 या 6 बजे जब धूप खत्म हो जाए उसके बाद उठा के आप अंदर रख दीजिए। तो 3-4 दिन आपको छाया में ही इसको अच्छी तरीके से सुखाना है। इसके बाद में क्या करेंगे, जब ये हमारी सारी लीव्स अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगी, तब हम एलोवेरा लीव्स को एक मिक्सर जार में डालेंगे और एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। गाइस, जो पाउडर होगा ये बिल्कुल केमिकल फ्री होगा, बिल्कुल प्योर होगा, क्योंकि आप ये इसको अपनी आइज़ के सामने बना रहे हैं, अपनी आँखों के सामने बना रहे हैं, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको मार्केट से लाते हैं तो वो तो हमारी आँखों के सामने नहीं बना होता, और जो उसकी पैकेजिंग होगी उसमें भी लिखा होगा कि इसमें कोई केमिकल नहीं, बट ये
बिल्कुल गलत बात है। ये कोई भी डिब्बाबंद चीज़ होगी, कोई भी पैकेजिंग होगी, उसमें केमिकल्स ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ केमिकल्स ज़रूर मिला होता है। तो क्या गाइस आप ये ऐसा मत करिए, आराम से इसकी लीव्स को लाइए, आपको मिल जाती है आसानी से। इसको कट करिए, ड्राई करिए, आराम से सुखाइए इसको और पीस लीजिए, तो आपको बिल्कुल केमिकल फ्री प्योर। तो आप इस जितने प्रोडक्ट को बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं, तो आप उनमें थोड़ा सा एफर्ट लगा के, थोड़ी सी मेहनत लगा के बिल्कुल केमिकल फ्री प्योर अपने घर पर बना लीजिए। और जो प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते हैं उनको ऑनलाइन परचेस कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है वो बर्बाद होने से बच जाएगी। आप उस मनी का यूज़ दूसरी जगह, जो आपकी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सी होती हैं जिसमें मनी की बहुत ज़रूरत होती है, आप वहाँ पर उस मनी को इन्वेस्ट कर दीजिए, और जो सिंपल सी चीज़ें हैं आप उसको अपने घर पर बना लीजिए। ठीक, तो गाइस आप देख रहे हैं कि जो हमारे एलोवेरा की जो लीव्स थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गई हैं, कड़क कड़क से सूख गई हैं। अब मैं इसको मिक्सर जार में डालूंगी और एक फाइन सा पेस्ट बना लूंगी। अब मैं क्या करूंगी कि पाउडर बनाऊंगी, फाइन सा पाउडर बनाना है। ठीक, तो मैं इस पाउडर को क्या करूंगी, छन्नी लूंगी और उससे अच्छी तरीके से छान लूंगी, जिससे जो हमारा बड़ा बड़ा सा पार्ट होगा, मोटा मोटा सा, वो हमारी छन्नी पर आ जाएगा और नीचे हमारा फाइन सा पेस्ट जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ हाँ साथ साथ अपना एक्सपीरियंस, अपने सजेशंस भी हमारे कमेंट बॉक्स पर शेयर करिए, ताकि जो मैं भी मोटिवेट हूँ और ताकि जो और जो दूसरे लोग हैं वो भी मोटिवेट हों और एलोवेरा का सेवन करना शुरू कर दें। आपकी कमेंट जो है बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, लोगों पर बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होममेड DIY के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओके, बाय, लव यू गाइज़।